चंदन क्यारी प्रखंड के बरमसिया ओपी क्षेत्र के बाटबोआ गांव निवासी रूपलाल महतो के 35 वर्षीय पुत्र हेमंत महतो का शव संदेहास्पद स्थिति में घर से कुछ दूरी पर तालाब के किनारे मिला। मृतक की पत्नी कोरोना महतो व परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कहा कि बाटबोआ गांव से सटा हुआ पश्चिमी बंगाल के गंधुडी गांव के कुछ लोगों ने बृहस्पतिवार को घर आकर धमकी दी थी कि हेमंत महतो को मारकर फेंक देंगे, 10,000 रुपए छीन कर भागा है। धमकी देने के दूसरे ही दिन सुबह हेमंत महतो का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला। घटना की सूचना पाकर बरमसिया ओपी पुलिस घटना स्थल पहुंचकर शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस को परिजनों द्वारा कुछ भी लिखित शिकायत नहीं दिया गया था। इधर पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की पूरी पता चल पाएगी। जानकारी के अनुसार बताया गया कि हेमंत महतो बृहस्पतिवार सुबह घर से निकला था। शाम तक घर से नहीं लौटने पर परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने पर कुछ भी पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों को तालाब के समीप हेमंत महतो का शव संदेहास्पद स्थिति में दिखाई मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बिहान एक लगा लो गंधुड़िया घर में तो सुधिया बोलिए घर आस हेमंत महतो बुढ़ी ना आसन तक बोलिए पकेट पैसा चोरी चुरी नहीं बार तो फिर गल फिर घूरी आइल 6-7 लग आठ तो फिर वो बोलिए बोलिए घर आइल बोली ना घर आस ना तो बोलिए या बोलिए हमारा पाले जो थे ट्रेन भांगे के मारे के फिर दिए रख बोलिए 6-7 লোক জন মানে সবাই বন্ধুটি আছে কুলিয়া লোকে বলছে কত বেলায় বলছে ওইখানটা এক লোককে গলটি আছে তখন ওই দেখতে গেল ছেলা ছিল চিনল ওই আর কোনো জানে না তোমার কি লাগছে ঘুরে তো বোন ঘর তার থাকে বলি আসবে ঘুরে বিমারি না আতে সুধা ঘর শরীর কিছু না দেখলে লোকটাকে ডানায় রেবে তো ফুট ফাট লোক সুধা পাতলা দুর্বল কিচ্ছু না গায়ে তো না এত খায় কি অনেক ঘুরে বলে সুধা ইয়ারাকে কবো ঝগড়া ঝাঁটি তো লাগে না ওইটুকু মানে ইয়া করে না এত জানো ওইটাই তো আমরা কোনো জানতে পারছি না কারো সঙ্গে বলবে যে না তোমার ঝগড়া রইল কি দুষ্টু এমন না না কিছু কারণ না তিনটা আছে ছোট ছোট বই আর ছোট আর একটা ছোট আছে কোনো গেলো ছাগলটি নিয়ে হাত একটা বহুত আছে পেছনটা আর এই বিটিতে হাত আর দেখো বাবুটা আর এটা হাত হম মর্নিং ওয়াক কে নিকলে থে তব হমকো সূচনা মিলা যে এসা এসা এগো লাশ ওহা পড়া হুয়া হ্যায় তব হম আয়ে গাঁও বালো কে সামনে এক তালাব হ্যায় তালাব কে কিনারে হম দেখে দেখ কর পহচানে যে মেরা গাঁও কা হি হ্যায় हम लोग सब आदमी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद सोचे जो क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, परिवार से मिले जो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, लोग भी कुछ बता नहीं पा रहा है और संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि मतलब मृत्यु कैसे हो गया, किस तरह देखने में देखने में तो साधारण सा लग रहा है किंतु मृत्यु का कारण पता नहीं चल रहा है क्या है। माने पोस्टमार्टम के बाद ही उसका निराकरण किया जाएगा क्या होगा नहीं होगा। ये साधारण मृत्यु नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें आड़े हाथ में लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध आदमी फंसे हुए हैं। लिप्त है कोई इसमें? जी 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 लग रहा है कोई। हाँ जैसे मैंने एकदम साधारण घर वाला बोल रहा है जब सुबह 5 बजे निकले हैं तो क्या हो सकता है आप ही बताइए। हत्या का भी आपको आशंका लग रहा है क्या? उतना तो हम नहीं बता पाएंगे, मैंने आशंका की नज़र में हम नहीं अभी खुल के बता पा रहा हूँ। आप बोल रहे संलिप्त है तो मतलब किस तरह का संलिप्त है? देखिए जिस प्रकार आदमी है हट्टा कट्टा है पूरा नौजवान है, इस दृष्टिकोण से हमको लग रहा है ये नॉर्मल हत्या नॉर्मल मैंने मृत्यु नहीं हो सकता है। लोग कह रहे हैं सर ठंड से मौत, तो ये तो कहीं ठंड से मौत नहीं हुआ है? मेरे नज़र में ये नहीं आ रहा है, मेरे नज़र में ठंड से मृत्यु नहीं आ रहा है। वैसे दुबला पतला आदमी नहीं था, मोटा आदमी था, शरीर में कुछ किसी प्रकार का रोग नहीं था। इस परिस्थिति में देख रहे हैं जो माने कुछ बता नहीं पा रहे हैं जो कैसे क्या हुआ नहीं होगा, माने जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा जो किस
संदिग्ध अवस्था में उसका